मध्य भारत का सबसे बड़ा एवं आधुनिक साजो सामान से युक्त एकमेव अम्यूजमेंट पार्क के रूप में जाने जाने वाला द्वारका वाटर पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए और अम्यूजमेंट पार्क में रोमांच को और बढ़ाने के उद्देश्य से रोमांचकारी स्काई वॉक तथा बंजी जंपिंग का उद्घाटन किया गया है। अम्यूजमेंट पार्क हमेशा ही हर किसी के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को अम्यूजमेंट पार्क में जाना अच्छा लगता है। इसी चीज को समझते हुए मध्य भारत के सबसे बड़े एवं आधुनिक साजो सामान से युक्त अम्यूजमेंट पार्क के रूप में जानी जाने वाले द्वारका वाटर पार्क में सैलानियों के रोमांच को और बढ़ाने के उद्देश्य से स्काई वॉक और बंजी जंपिंग का रविवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए द्वारका वाटर पार्क के संचालक धर्मा रमानी ने कहा कि लोगों का मेरे माध्यम से जितनी खुशियाँ दे सकूं ये मेरी कोशिश है। उनका कहना था कि द्वारका वाटर पार्क में जो स्काई वॉक है वो शायद देश का सबसे बड़ा स्काई वॉक है। इसके बारे में बस लोगों को जितनी खुशियाँ दे सकूं ये कोशिश है मेरी। आज 5-6 साल से, तो 5-6 साल से जी जान तन मन धन से लोगों की सेवा के लिए, खुशियों को लोगों को मिलना चाहिए, इसके लिए बनाया हूँ मैंने। और मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा स्काई वॉक मेरे यहाँ पे है, जो इंडिया में कहीं भी नहीं है। मैं चाहता हूं और जितनी खुशियां दे सकूं लोगों को उसके लिए और जो बना सकता हूं। अभी गोवा बीच का काम चालू है, गोवा बीच यहां बनेगा और पूरे जितने लोगों के सपने हैं वो साकार यहां होंगे। और अच्छे खेल कूद की जितनी भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकता हूं मैं करने में, यानी सक्षम हूँ और मैं करूँगा लोगों के लिए। इसके लिए मैं पूरी जनता का सहयोग चाहिए, जनता मुझे इसी तरह प्रेम देते रहे, आते रहे यहाँ। बस इतना ही दो शब्द कहूँगा और जनता से कहूँगा अपनी खुशियाँ बटोर लें यहाँ आकर। मैं यहाँ आई थी और यहाँ कोरोना के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम इतना एंजॉय कर रहे हैं और सुबह से आए हम लोग, बहुत मस्ती किया और बहुत थक भी गए और बहुत मजा आया। बहुत ज़्यादा वाटरफॉल में खेले, पानी में पूरा एकदम फ्रेंड्स के साथ थे और सब दोस्त भी थे, बहुत अच्छा लगा और बहुत मस्ती किया फर्स्ट टाइम कोरोना के बाद 2 साल के बाद। द्वारका वाटर पार्क में शुरू हुए स्काई वॉक और बंजी जंपिंग का राज्य की पशु संवर्धन, दुग्ध विकास और क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए सुनील केदार ने द्वारका वाटर पार्क के संचालक धर्मा रमानी को शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि आने वाले समय में ये एडवेंचर पार्क बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क होगा। माझ्या क्षेत्रामध्ये धर्मा रमानी जी ने एक अद्भुत कार्य केलं, त्याच्याबद्दल मनापासून स्वागत। राज्याचा क्रीडा मंत्री नात्यानं माझ्या मतदारसंघामध्ये त्यांनी मला एक बोलण्याचं एक चांगला वेळ व्यवस्थित एक टॉपिक दिला, जे कुठंच नाही एवढं मोठं जम्पिंगचं टावर उभं करून एक अत्यंत गौरवशाली प्रकल्प उभा केला, त्याचं मनापासून आभारी। आणि नवीन जनरेशनला मोबाईल आणि इंटरनेटच्या वातावरणातनं नवीन जनरेशनला एक वेगळं एक विचारधारा या पार्कच्या माध्यमातून आपण त्यांनी करून दिलं। आणि त्या मोबाईल आणि इंटरनेटच्या 4 भिंतीतनं बाहेर काढलं आणि त्यास काय जी गरज आहे त्याबद्दल त्यांचं मनापासून स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील केदार ने सभी चीजों का निरीक्षण भी किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।